सम्मान एवं श्रद्धा के योग मंच पर विराजमान आज की महिला सम्मेलन की मुख्य अतिथि महोदया, विशिष्ट अतिथिगण, मंच पर विराजमान समस्त विद्वजन, धर्म प्रेमी बंधुओं, वंदनीय मातृशक्ति, समय का बहुत अभाव है और मेरा शीर्षक नियत है, ये कार्यक्रम आपका आर्य समाज का महिला सम्मेलन के रूप में हो रहा है और हर वक्ता को यहाँ एक निश्चित विषय दिया गया है। मेरा विषय भी है मैं स्त्री शिक्षा और उत्थान में आर्य समाज की भूमिका और क्या प्रेरणा देता है आज के परिप्रेक्ष्य में आर्य समाज। तो आज तक आपने अभी सारे वक्ताओं से सुना है, मैं चूंकि समय का अभाव है और आपको आर्य समाज का संदेश आज नारी जाति के लिए क्या है वो आपको मैं कम शब्दों में देना चाहती हूँ। हम समीक्षा करें, हमारे सामने तीन युग हैं, एक को हम वैदिक युग कहते हैं, दूसरे को हम मध्य युग कहते हैं और एक युग है जिसको हम आधुनिक युग कहते हैं। वैदिक युग में नारी का हम रूप देखते हैं तो वहां नारी हमें एक उच्च पद आसन पर उतना उसका सम्मान है, उसका गौरव है, सामाजिक कार्यों में, पारिवारिक कार्यों में और राष्ट्र के सभी कार्यों में हमारे देश की नारियां जो एक ऋषिका के रूप में होती थी, जिनका नाम लोपा, मुद्रा, घोषा आदि अनेक ऋषिकाओं के रूप में जाना जाता है, जिनको हमारे यहाँ पर एक बहुत सम्मान और आदर्श स्थान प्राप्त था। लेकिन फिर एक समय आया जिसको हम मध्य युग कहते हैं, जहां नारी के लिए लोगों ने नारी का जो क्षेत्र था वो सीमित कर दिया, संकुचित कर दिया और लोगों ने कहा कुचल दो इनकी आवाजों को, कुचल दो इनकी आवाजों को, बंद कर दो चार दीवारी में, इन्हें किसी से कोई सरोकार नहीं है, पढ़ने पढ़ाने का इन्हें कोई अधिकार नहीं है। इस तरीके की बातें मध्य युग में आई, परिणाम हुआ कि नारी अशिक्षित हो गई, परिणाम हुआ नारी चार दीवारी के अंदर कैद होकर के रह गई और उसका प्रभाव न केवल परिवार पर पड़ा, न केवल समाज पर पड़ा, सारे राष्ट्र पर नारी की अशिक्षा का प्रभाव दिखाई दिया। नारी के धर्म के जो ठेकेदार थे उन्होंने कहा स्त्री शूद्रो नाधियताम, स्त्री और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। कबीरदास जी नारी के संदर्भ में विचार लिखते हैं, कबीरा उनकी कागती जो नित नारी के संग जातन की छाया पड़त अंधा बहुत भुजंग। इस प्रकार की विचारधारा लोगों की नारी के प्रति, यानी नारी का जो एक शीर्ष स्थान था वो आज नारी का सम्मान गिर करके मध्ययुग में नारी को लोगों ने पैरों की जूती कहा, जैसे लोग पैरों की जूती को बदल लेते हैं, जो है जूते को बदल लेते हैं, ठीक इसी प्रकार से नारी भी पैरों की जूती के समान है, उसे कभी भी बदला जा सकता है। यानी नारी के सम्मान को कुचला गया, नारी को पद्दलित किया गया और नारी को एक चार दीवारी के अंदर कैद किया गया। नारी का ये सम्मान फिर उस युग से कोई दिलाने वाला कोई ऋषि, कोई देवताया, जिसको मैं आज हृदय से अपना हार्दिक नमन और वंदन करती हूं, जिसके कारण हमारी एक बार ताली बजा दी ऐसे स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती के लिए। स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती नारी को फिर उस ऊंचे स्थान पर जिस पर ये भारत की नारी आसीन थी, उन्होंने फिर कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अरे जिस देश में, जिस घर में जहां पर नारियों का सम्मान नहीं होता, नारियों की भावनाओं का जो है ख्याल नहीं रखा जाता, नारी का यदि अपमान होता है वो परिवार कभी फूल और फल नहीं सकता, जहां नारियों के आंसू बहे जाते हो। इसलिए कहा नारियों का सम्मान करना चाहिए। नारियों को किसी ऊंची पदवी पर बिठाने वाला कोई ऋषि आया उस जमाने में, उनका नाम था स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती। उनसे पहले भी कुछ प्रथाएं थी जिनके लिए जागरूकता का कार्य प्रारंभ हो गया था, जैसे स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती से पहले सती प्रथा इस देश में विराजमान थी, लेकिन उसके लिए भी लोगों ने कार्य करना, जैसे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए काम किया, लेकिन स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती ने नारी के किन किन क्षेत्रों में काम नहीं किया। उस समय नारी के लिए बाल विवाह होते थे, बहुत कम वर्ष की आयु में एक नारी का विवाह हो जाता था, और इतना ही नहीं जन्म के पश्चात जिस नारी का अभी जन्म भी नहीं हुआ, जिस बच्चे का जन्म नहीं हुआ, विवाह निश्चित हो जाता था। और ऐसा भी समाज में होता था कि नारी को जब उनमें दोनों में से विवाह दोनों का निश्चित हो गया, क्योंकि दोनों परिवार निश्चित कर लेते थे यदि तुम्हारा लड़का होगा और हमारे लड़की होगी तो विवाह निश्चित हुआ, और उनमें से यदि लड़का मर गया,
कम आयु में तो लड़की को बहुत लंबे समय तक विधवा का जीवन व्यतीत करना पड़ता था। नारी को इस विष से मुक्ति दिलाने वाले कोई आए ऋषि तो स्वामी महर्षि दयानंद। उन्होंने विधवाओं के फिर से विवाह करवाए, उन्होंने बाल विवाह की प्रथा को रोकने का प्रयास किया, उन्होंने पर्दा प्रथा को खत्म करने का प्रयास किया और उन्होंने कहा यदि किसी राष्ट्र को उन्नत करना है तो सर्वोपरि कोई भी राष्ट्र तभी उन्नत हो सकता है। वो उद्घोष करते हैं सत्याग्रह प्रकाश के अंदर, कहते हैं मातृमान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद। मातृमान की परिभाषा क्या करते हैं सत्याग्रह प्रकाश में ऋषि, ऋषि कहते हैं किसी भी देश का निर्माण माता के हाथ में होता है क्योंकि माता के हाथ में संतान का निर्माण होता है और जिस देश की यदि नातृशक्ति अशिक्षित होगी तो उस देश की संतति बढ़िया नहीं होगी और संतति बढ़िया नहीं होगी तो उसके संस्कार अच्छे नहीं होंगे, संस्कार अच्छे नहीं होंगे तो समाज अच्छा नहीं होगा, परिवार अच्छा नहीं होगा और राष्ट्र अच्छा नहीं हो सकता। इसीलिए वो मातृमान की परिभाषा करते हैं। मातृमान कौन है तो मातृमान के लिए ऋषि दयानंद सत्याग्रह प्रकाश में लिखते हैं, कहते हैं प्रशस्ता धार्मिकी माता यस्य विदुषी माता स मातृमान, अर्थात जिसकी धार्मिक और विदुषी माता है वो मातृमान है। कहने का अभिप्राय है धार्मिक कौन होगा, विदुषी कौन होगा, बिना पढ़े कोई भी महिला विदुषी नहीं बन सकती। इसलिए ऋषि ने वहां सत्याग्रह प्रकाश में प्रश्न उठाते हुए लिखा है, प्रश्न किया पहले क्या स्त्रियों को भी वेद पढ़ने का अधिकार है, तो ऋषि कहते हैं हाँ निश्चित रूप से अवश्य ही ऋषि महिलाओं को भी वेद पढ़ने का अधिकार है क्योंकि वेद परमात्मा की वाणी है और परमात्मा का ज्ञान स्त्री और पुरुष के भेद से बांटा नहीं जा सकता, परमात्मा का ज्ञान सभी के लिए समान होता है। इसलिए उदाहरण देते हैं, वो कहते हैं कि यदि नारी के लिए इसका प्रमाण देते हैं शौच सूत्र आदि से, कहते हैं इमं मंत्रम पत्नी पठे, यदि यानी ये मंत्र विवाह संस्कार में पत्नी पढ़े तो कहते हैं यदि स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं होगा तो विवाह संस्कार में वो मंत्रों का पाठन कैसे करेगी। कहने का अभिप्राय है कि आज नारी जाति का जो श्रेय है, वो कहते हैं धन्य है वो संतान, धन्य है वो संतान जिनके माता पिता धार्मिक हो और विद्वान हो, ऐसी संतान को ऋषि दयानंद भाग्यवान कहते हैं क्योंकि माता के संस्कार संतान में आते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं आज आर्य समाज हमको क्या प्रेरणा देता है। आर्य समाज आपको पता है आर्य समाज के अनुयायियों ने ही पहली बार जो है ये उस जमाने में प्रयास किया था। स्वामी श्रद्धानंद जी ने जब अपनी छोटी पुत्री को देखा कि वो एक मिशनरी स्कूल में पढ़ने जाती थी, गीत आती थी ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल, जब ये कहा तो स्वामी श्रद्धानंद ने और लाला देवराज ने वहां पर जालंधर में कन्या विद्यालय की स्थापना की। ये आर्य समाज का स्त्री शिक्षा के लिए प्रथम प्रयास था। कहने का अभिप्राय है चूंकि ये आज जो विषय था इस विषय को बताते हुए थोड़ा आर्य समाज आज के परिप्रेक्ष्य में नारी जाति को क्या प्रेरणा देता है तो मैं थोड़ी सी आपको इस गीत के माध्यम से कविता के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ। आई खराबी आज गृहस्थी, आई खराबी आज गृहस्थी की नैया मझधार देवी ओ लाज बचाओ, सास बहू माँ बेटे में पहले जैसा प्यार कहा, बेटी का वो सादापन और ऊंचा आचार कहा, भाई बहन में रहा नहीं है प्रेम भरा व्यवहार देवियों फिर से लाओ, आई खराबी आज गृहस्थी की नैया मझधार देवियों लाज बचाओ। और कहते हैं पाखंडों में फंस करके आज नारी शिक्षित तो हुई है लेकिन पढ़ी लिखी नारी आज भटक गई है, अंधविश्वास की शिकार हो गई है। इसलिए कहते हैं पाखंडों में फंस करके घर को ना बेहाल करो, पूजो मत ईंटे पत्थर भूत प्रेत से काहे डरो, सब देवों के देव प्रभु को माना है निराकार देवियों होश में आओ, आई खराबी आज गृहस्थी की नैया मझधार देवियों लाज बचाओ। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन।